गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांक मोगा और द एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल में सीखने वाले हैं फाइल ऑटो सेव। मींस कि सपोज करो आप अपने एक्सेल पे सिस्टम पे काम कर रहे हैं और काम करने के बीच में सपोज करो आपकी लाइट चली जाती है और सिस्टम ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, तो जो भी हम काम करते हैं वो सेव नहीं हो पाता। लेकिन एक्सेल के अंदर एक फॉर्मूला, एक फंक्शन तो इन्होंने दिया हुआ है जो कि मैं दिखाता हूँ आपको, कि आप फाइल पे क्लिक करेंगे, देन जाएंगे आप ऑप्शन पे, देन ये सेव और देन ये सेव ऑटो रिकवर इन्फॉर्मेशन एवरी। फ्रेंड्स, ये है क्या? इसका मतलब ये है कि एक्सेल ऑटोमेटिक जो भी आप यहाँ पे टाइम दोगे उतने टाइम के अंतराल में आपकी फाइल को वो खुद ब खुद सेव करता रहेगा भले आप सेव ना करें। इसका फायदा तो ये है कि आप ऑटोमेटिक फाइल सेव होती रहेगी, लेकिन नुकसान इसका यह है कि इसको एक मिनट से कम टाइम में हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ इसी तरह या कुछ इससे एक एडवांस चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा जो हम सीखेंगे VBA कोड के थ्रू। फ्रेंड्स, मैं आपके सामने कंडीशन देता हूं कि सपोज करो आपने यहाँ से फाइल क्लोज करी और आपको जो डायलॉग बॉक्स शो होता है कि आपको फाइल सेव करनी है सेव नहीं करनी है, और वो डायलॉग बॉक्स हमें दिखना ही नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिक क्लोज करा तो फाइल ऑटोमेटिक क्लोज और जो भी हम काम करेंगे, जो भी हम डेटा लिखेंगे वो बिल्कुल सेव हो जाएगा। इससे होगा क्या, अगर बाय चांस अगर आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं, लाइट चली गई या आप किसी ने आपका सिस्टम मैनुअली ऑफ कर दिया, तो उससे होगा क्या, जो भी आप काम करेंगे वो आपकी फाइल में ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, उसे आपको सेव करने की नीड नहीं पड़ेगी। बाद में करते कैसे, देखिए आपको Alt F11 प्रेस करना अपने कीबोर्ड से। Alt F11 प्रेस करने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक आपको विंडो दिखेगी। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में दिस वर्कबुक है, इस पर आपको राइट क्लिक करना है, देन आप करोगे यहाँ पर क्लिक व्यू कोड, आपको व्यू कोड में जाना है। व्यू कोड ओपन होने के बाद आप जो जनरल है ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है आपको, यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे वर्कबुक। वर्कबुक सेलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे बिफोर क्लोज, कीबोर्ड से बी प्रेस कीजिएगा, बिफोर क्लोज आ गया और एंटर। अब देखिए ये ऊपर जो है बिफोर क्लोज का कोड है, ये भी ओपन का कोड है, तो हम ओपन का कोड कहाँ से डिलीट कर देंगे जो हमारी नीड नहीं है, और हम इन दोनों लाइनों के मिडिल में आके अपना कोड लिखेंगे जो कि 3 लाइन का कोड है, दिस वर्कबुक डॉट सेव। ये कोड हमने लिख दिया, अब हम इस फाइल को सेव करेंगे। फ्रेंड, आप अपनी फाइल को ये जो सेव का ऑप्शन यहाँ से भी कर सकते हैं सेव, नहीं तो आप जाएंगे अपनी एक्सेल फाइल पर, क्लिक करेंगे फाइल पर, देन करेंगे सेव। सेव करेंगे आप कहीं भी सेव कर सकते हैं एज यू विश, मैं डेस्कटॉप पर इसको सेव कर देता हूँ किसी भी नाम से, मैं नाम देता हूँ उसका निकेतांक मोगा। ठीक है, और हमें एक काम यहाँ पे और करना है कि यहाँ पर सेव एज टाइप में हमें माइक्रो एनेबल्ड वर्कबुक का ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको सेव करना है, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, वो ये मैंने सेव कर दिया। अब हुआ क्या फ्रेंड्स, ये आपका जो कोड था दिस वर्कबुक डॉट सेव, ये कोड आपकी इस एक्सेल फाइल के अंदर अटैच हो चुका है। इससे होगा क्या, जब भी आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं आप डायरेक्ट फाइल यहाँ से क्लोज करेंगे, वो एक्सेल आपको ऑप्शन शो ही नहीं करेगा कि आपको सेव करना है डोंट सेव करना है, वो काम ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। फाइल को क्लोज करते हैं, ये देखिए अब इस फाइल को हम ओपन करते हैं दोबारा और देखते हैं कि कोड प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अब मैं इस निकेतांक मोगा की फाइल को ओपन करूंगा और आप इसके आइकन में देख सकते हैं जिस भी फाइल के अंदर हम मैक्रो का यूज करते हैं तो उसमें यहाँ पर एक ये इस तरह का सिंबल यहाँ पर आ जाता है, आप इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कीजिए फाइल को और ये फाइल ओपन हो जाएगी। अब देखिए फाइल ओपन हो चुकी है, आपको एक काम और करना है कि यहाँ पर मैक्रो डिसेबल होता है तो यहाँ से हम इसको अनेबल कंटेंट कर देंगे, तो ये बार बार ये मैसेज आपको शो नहीं होगा। अब देखिए सपोज मैंने यहाँ पर ए लिखा और इस फाइल को मैंने क्लोज कर दिया, क्लोज किया, ये देखिए एक्सेल की फाइल ने मुझे ऑप्शन ही नहीं दिया कि मैं सेव करना है सेव नहीं कर रहा है, ये ऑटोमेटिक सेव हो गया। अब इस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये काम इसमें सेव हुआ है या सेव नहीं भी हुआ है। ये फाइल देखो ओपन हो चुकी है और देखिए जो मैंने ए यहाँ पर लिखा था वो ऑटोमेटिक सेव हो चुका है। अब मैं कुछ भी काम करता हूँ उस तरीके से किसी भी सीट पर और सिंपल, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इस फाइल को क्लोज करता हूँ, क्लोज किया, फाइल क्लोज हो चुकी है, मीन जो हमने काम किया इस फाइल के अंदर वो ऑटोमेटिक सेव हो चुका है। ये देखिए दोबारा ओपन करते हैं इसको, ये देखिए। तो इस तरह फ्रेंड्स आप अपना टाइम बचा सकते हैं और एक अपने ऑफिस के अंदर एक्सेल पर काम कर सकते हैं, वो भी इस एक स्मार्टनेस के थ्रू।
तो ये जो कोड है दिस वर्कबुक डॉट कॉम आई होप आपको लर्न रहेगा। तो फ्रेंड इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एक्सेल में ये वीबीए कोड की सीरीज का पहला पार्ट है। देन मैं सेकंड पार्ट आपके लिए एक और लेके आऊँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और द एजुकेशन अकेडमी को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।